पर हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे विंध्य क्षेत्र की दो सीटों के संदर्भ में। विंध्य क्षेत्र में चार सीटें देखी जाती हैं, एक सतना देखी जाती है, दूसरी रीवा देखी जाती है, तीसरी सीधी, चौथी शहडोल। दो हिस्सों में बढ़ गया, सतना और रीवा में 25 तारीख को वोटिंग होगी, उसके संदर्भ में हम बात आगे करेंगे। पर आज हमारी जो बातचीत है वो सीधी और शहडोल के संदर्भ में है। गजब का क्षेत्र है, किसी समय पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं होता था, समाजवादियों के गढ़ के तौर पर भी विंध्य क्षेत्र को देखा जाता था, कांग्रेस के यहाँ से लगातार प्रत्याशी चुनाव जीता करते थे। पर कांग्रेस को भी शायद याद नहीं रहा कि उसने आखिरी बार सीधी को कब जीता, शहडोल को कब जीता। कुल मिलाकर लगातार सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में अगर सांसद की बात करें तो शहडोल से हिमाद्री सिंह सांसद हैं, वही प्रत्याशी भी हैं। हिमाद्री सिंह का परिवार एक समय कांग्रेस का बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था, कितनी बार उनके पिता और उनकी माँ यहां से सांसद रहे। पर हिमाद्री सिंह का भाग्योदय भाजपा में आने के बाद हुआ और वो भाजपा से लगातार सांसद का तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। वहीं सीधी क्षेत्र के संदर्भ में नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए मैदान में उतारा है कि पिछले से दो बार की सांसद रीति पाठक को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया और पार्टी ने वहां पर जीत हासिल कर ली। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने यहां से कमलेश्वर पटेल को सीधी से प्रत्याशी बनाया। कमलेश्वर पटेल 10 साल तक विधायक रहे, इस इलाके के बहुत बड़े नेता रहे इंद्रजीत पटेल। एक समय उन्हें अर्जुन सिंह के सबसे विश्वस्त साथी के तौर पर देखा जाता था। उधर इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल को पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। शहडोल सीट से वर्तमान में विधायक फूल सिंह मार्को को प्रत्याशी बनाया गया। कुल मिलाकर सीधी और शहडोल के संदर्भ में कांग्रेस उम्मीद कर रही है, कैसे उम्मीद कर रही है जानने में हमारी दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी को यह सीट बचाए रखना है, कैसे बचाने की कोशिश करें इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो सीधे रुक करते हैं अपने मेहमानों की, और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना चेहरा विंध्य क्षेत्र का है, कई बार सतना के जिलाध्यक्ष वर रहे हैं। हमारे साथ में कविता पांडे जी हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा ही आक्रामक चेहरा है। कविता पांडे को उनकी मुखरता के लिए क्षेत्र में जाना जाता है, और इनके बीच में विंध्य क्षेत्र की पत्रकारिता में इंसाइक्लोपीडिया माने जाने वाले जयराम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत कविता पांडे जी से करते हैं, और कविता पांडे जी आपसे जानना चाहते हैं क्या है सीधी में और क्या है शहडोल में। चुनाव लड़ना है इसलिए लड़ ले रहे हैं या जीतने वीतने की भी कोई उम्मीद कर रहे हैं? अब मजबूरी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो चुनाव तो लड़ना होता है, इसीलिए हैं या कोई उम्मीद देख पा रही हैं आप, थोड़ा बताइए। और देख पा रही है तो क्यों देख पा रही? आप सभी को जय सी आराम। सासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोने पावत नरक अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के विगत 10 वर्षों के राज में महंगाई से कराहती जनता आपको भी दिख रही होगी और उसका अंदाजा भी मध्य प्रदेश में लग रहा होगा कि कितना है इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। एक सिलेंडर मैया हुआ करती थी, जब 412 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो वो सड़क पर ताक दिनाधन चलता रहता था कि बहुत महंगा हो गया। अब वो दूरे से भी दिखाई नहीं देती है। फिलहाल अभी इलेक्टोरल बंड का मसला आपने देखा ही होगा। इस तरह के जो गंभीर इश्यूज है देश के सामने, तो आज भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी उन्होंने जेल भेजा, हेमंत सोरेन जी जो आदिवासी के बहुत बड़े नेता हैं और उनको भी जेल भेजा। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई है कि जो पहले चरण का चुनाव उसमें हम हार जाएंगे, और पूरे में ही हारेंगे लेकिन अभी तो फिलहाल पहले चरण का चुनाव है तो उसमें ज्यादातर सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडी और सीबीआई जिनके प्रयोग से इक्के हैं उनको चल दिया है, और मुझे लग रहा है सीधी के भी मुझे जितनी खबर है, मैं जो थोड़ा बहुत गई हूँ और जो लोगों से बातचीत होती है तो लोगों का कहना है कि भाई कमलेश्वर पटेल जी चुनाव जीत रहे हैं। और कुंडेलाल मार्को जी का एक देखिए बहुत ही सरल सौम्य आदिवासी चेहरा है मार्को जी, और लगातार कई बार एमएलए रहे हैं और आम जनता के प्रति उनकी बहुत लोकप्रियता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जब चुनाव शुरू हुआ था वस्तुतः मैं आपको बहुत साफ से बता दूं कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इतनी बेहतर स्थिति में होगी और इतनी मजबूत दिखाई देगी, लेकिन आज भगवान के कल रामनवमी की और भगवान की कृपा होगी तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों सीट जीतकर और विंध्य से जीत का परचम लहराएगी। वो क्या है आपको बताना चाहता हूँ कविता जी, यूं तो आपके पास जानकारी होगी, वो 2019 का चुनाव हुआ था ना, शहडोल की सीट कांग्रेस 400,000 वोटों से हारी और वो जो सीधी की सीट है ना उसे 300,000 से हारी। सीधी से जो प्रत्याशी थे ना वो आपके नेता अजय सिंह राहुल भैया वो थे,
और जहां तक शहडोल के संदर्भ में बात है तो प्रमिला सिंह वहां से प्रत्याशी थी। तो आपसे जानना चाहता हूं कि सीधी पे ही बात कर लेते हैं, ये कमलेश्वर पटेल के अजय सिंह राहुल भैया से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, जिसके कारण से 3 लाख से जिस सीट को आप हारे थे उसे जीतने की उम्मीद आप देख ले रही हो। कविता जी थोड़ा बताओ ना, ऐसा क्या हो गया जिसके चलते सीधी में आपको जीत दिखाई देने लगी? हिमांशु भाई, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। जो समय बदला है, जो बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि महंगाई की मार से आम जनता जो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी है वो त्राहिमाम कर रही है। लोग इस बार ठीक से होली नहीं मना पाए, त्योहार नहीं मना पाए और हर चीज दुगनी चौगनी अठगुना आपकी गृहस्थी आबादी है। और जब आप सामान लेके 500 रुपए लेके सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें आधा झोला भी नहीं भरता। तो ये सब चीजें जो आम जनता को प्रभावित करती है उनका असर है। और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा, अरे आपने बात बहुत बढ़िया बोली कविता जी, वो समय हो तो बलवान, ये 3 महीने में समय बदल गया क्या? वो कमलेश्वर पटेल है ना, 10 साल के विधायक, वो 3 महीने पहले चुनाव लड़े थे विधायकी का सियावल से, निपट गए। तो 3 महीने में इतनी महंगाई बढ़ गई कि अब की बार आप जीतने की उम्मीद कर ली सीधी में उनके? बिल्कुल, इलेक्ट्रोनल बॉन्ड में जो बीजेपी ने जिस तरीके से ऑनलाइन गेम वालों से, पाकिस्तान से और तमाम लोगों से चंदाखोरी की है, तो एक चंदा बाज पार्टी बन गई है। और ये प्रोपोगंडा करके टीवी चैनलों में और डिबेट में अपने लोगों का प्रोपोगंडा करके चुनाव जीतने की जो इनकी कोशिशें होती है, जनता ने समझ लिया है कि गाल बजाने वाले लोग हैं और छोटा चना बाजे घना बोल से ज्यादा है काम कर छोटा चना बाजे घना। पुष्पेश जी के पास जाने की मुझे बहुत जरूरत हो गई, क्योंकि कविता जी इतने आकर्षक तरीके से बोल रही हैं, पुष्पेश जी के पास नहीं जाऊंगा तो जाती हो जाएगी। तो पुष्पेश जी आप बताएं, कविता पांडे जी की दलीलों ने आपको कितना डरा दिया? ये कुछ जमानत वमानत बचने की भी उम्मीद आपको अपनी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? कविता जी जिस तरीके से हालात बता रही है, तो पुष्पेश जी थोड़ा आप बताओ, देश में 400 पार का नारा भाजपा लगा रही है एनडीए की ओर से, 370 पार का नारा लगा रही है भाजपा की ओर से, उसमें ये सीधी और शेड्यूल रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, या 400 के अलावा जो बच जानी उनमें शेड्यूल और सीधी जाने वाले हैं? विंद क्षेत्र की हम 4 सीटें जीतेंगे जी, और सीधी शेड्यूल निश्चित रूप से जीतेंगे जी। और उसका कारण यह है कि इन 10 वर्षों में या कि पिछले 20 सालों में जो विकास के कार्य इस विंद क्षेत्र में हुए हैं जी, मैं कविता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जरा ध्यान दें जी। वो 2004 के पहले का विंध्य क्षेत्र और आज के विंध्य क्षेत्र की तुलना करें तो उनको समझ में आ जाएगा। 2004 के पहले ये वही बहुत बड़े बड़े नेता विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के हुए हैं, कुंवर अर्जुन सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता थे, आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी थे जो बहुत पावरफुल थे विंध्य क्षेत्र के अंदर जी। लेकिन बाणसागर कैलाल, बाणसागर से चल के 1 किलोमीटर नहीं बनवा पाए लोग, दो दो बार तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो बाणसागर की कैनाल तब बनी जब भाजपा की सरकार आई और 140 किलोमीटर कैनाल बन करके 8 विधानसभाओं को टच करती हुई आज वो फिर से पहुंच गई वहां पे। कविता जी ध्यान दें कि जिला बना शहडोल भाजपा के राज में, मेडिकल कॉलेज खुला, सीधी जैसी टनल बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कितने लोगों के मकान बने, कितने लोगों को गैस मिली, कितने लोगों को 5 लाख तक के दवाई के कार्ड मिले हैं आपके जी। उसका परिणाम है कि आज विंध्य क्षेत्र के अंदर जो जीवन दायिनी रेखा है, जो नर्मदा का पानी जो आना था जी। आज उसमें 4-5 हजार करोड़ रुपए खर्च करके सतना तक आने के लिए, जहां सतना में 1,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी है, वह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक बार सर कुंवर अर्जुन सिंह जी हमारे गांव आए थे जी, तो वहां पे जनता ने मांग की कि एक पीपा का पुल गोरैया में आप बनवा दीजिए कुंवर साहब। उस समय वो मानव संसाधन मंत्री थे, वो कुंवर साहब एक पीपा का पुल नहीं दे पाए थे। आज उस कमस में 6 पुल बने हैं इस बीजेपी के राज्य में, आपके हिनौती में पुल, गोरैया में पुल, बरती में पुल, इस प्रकार के डेवलपमेंट के काम हुए हैं आपके। आज रोडों का जो जाल बिछाया गया है, आज सतना मेडिकल कॉलेज खुला है हमारा, सतना फ्लाईओवर बन रहा है, सतना रिंग रोड बन रही है, आज रीवा एक ऐसा जिला बन गया जहां 5-5 4 लेन निकल रहे हैं बीजेपी के राज्य में, रीवा से सिंगरौली, रीवा से सतना, रीवा से जबलपुर, रीवा से मिर्जापुर, रीवा से इलाहाबाद, ये है विकास का। अच्छा एक बात बताओ पुष्पेंद्र भाई,
ये रीवा में इतना, वो सतना में इतना, इसी के कारण से तो आप सीधी शेड्यूल में निपट तो ना जाओगे कि भाजपा ने सारा विकास सीधी में और रीवा में दे दिया तो इस कारण से सीधी और शेड्यूल वाले गए, हमारे इससे क्या है इसलिए आप कांग्रेस को ले आओ, ये खतरा तो पैदा नहीं हो गया? आया है ना मेडिकल कॉलेज आपके शेड्यूल में। अरे एक बार बताओ भाई, अगर सब कुछ इतना बढ़िया है तो ये घर में ही आग क्यों लग गई घर के चिराग से? ये एक नेताजी हैं आप जानते हो ना, आपके नाम उनका अजय प्रताप सिंह है, वो राज्यसभा में भेजे थे आप 2018 में, 2024 अभी 3 अप्रैल तक वो सांसद थे, वो बता रहे भाजपा बहुत बदल गई है इसलिए उन्होंने भाजपा बदल ली। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सीधी में प्रत्याशी हो गए अजय प्रताप सिंह, ये डॉक्टर राजेश मिश्रा के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर दी है ये, थोड़ा इसके विषय में पूछवें जी कुछ आकलन वाकलन आपका मिलेगा। कविता जी इसी कारण से तो इतनी हर्षाई हुई नहीं है, ये घर में ही लड़ गए हैं तो अपनी बात बन जानी है। देखिए भाई साहब, ये इलेक्शन का दौर है।